और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और राहुल ने अपनी चिट्ठी में लोकसभा से उनके भाषण के अंश को रिकॉर्ड से हटाने का मुद्दा उठाया है। तो राहुल ने इस पर आपत्ति जताई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी ने और जो अंश उनके भाषण के हटाए गए हैं रिकॉर्ड से उस पर आपत्ति जताई है और कहा गया है कि बयान को रिकॉर्ड्स में लाया जाए। राहुल ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और ये मांग की है कि इन बयानों को वापस रिकॉर्ड पर लाया जाए और लिखा कि बयान हटाने को लेकर अचंभित हूं, बयान को रिकॉर्ड में लाया जाए। दरअसल राहुल गांधी ने जो संसद के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखी थी उसमें बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसको लेकर बीजेपी हमलावर थी राहुल गांधी पर और सख्त एतराज जताया गया था एनडीए के नेताओं की तरफ से। खास तौर पर हिंदू को लेकर या हिंदू समाज को लेकर जो बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया उसे लेकर बीजेपी आक्रामक रुख अपनाए थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई और कुछ बयानों को राहुल गांधी के रिकॉर्ड से हटा लिया गया। अब स्पीकर को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे बयान में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, बयान हटाने से अचंभित हूं, बयान को वापस रिकॉर्ड में लाया जाए। ये राहुल गांधी ने कहा। और इससे पहले राहुल गांधी ने अपने भाषण का कुछ हिस्सा हटाए जाने को लेकर पहली प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई को संसद के रिकॉर्ड से तो हटा सकते हैं लेकिन हकीकत में सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। कल संसद में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उसके कई हिस्सों को संसद के रिकॉर्ड से हटाया गया है। स्पीकर से शिकायत के बाद कई हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाने का फैसला हुआ। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था मैंने कह दिया, वो सच्चाई है और एक्सपंज करें जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। और सदन में दिए राहुल के बयान के कुछ हिस्से हटाए गए हैं। आप हिंदू हैं ही नहीं वाला हिस्सा हटा दिया गया है जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर कहा था। बीजेपी के पास हिंदू धर्म का ठेका नहीं, इस बयान को भी रिकॉर्ड से हटाया गया है। इसके अलावा बीजेपी पर नफरत फैलाने वाला राहुल का बयान भी हटाया गया है। पीएम मोदी पर दिए नमस्ते वाले बयान को भी हटाया गया जो राजनाथ सिंह को लेकर उन्होंने कहा था। हिंदू वाले बयान पर दिए कुछ हिस्से भी रिकॉर्ड से हटा दिए गए हैं। तो राहुल गांधी ने संसद के अंदर जो बयान दिया था उनमें से जिन हिस्सों को हटाया गया है वो हिस्से कौन से थे? हिंदू धर्म के ठेके वाला जो बयान था उसको हटाया गया है, बीजेपी नफरत फैलाती है ये हिस्सा हटाया गया, साथ ही मोदी जी नमस्ते को लेकर राजनाथ सिंह को लेकर जो उन्होंने बोला उसको भी हटाया गया, नीट पर अमीरों को जो जोड़ने वाला बयान का हिस्सा था उसको भी अब रिकॉर्ड पे नहीं हटाया गया, साथ ही पीएम मोदी और आप हिंदू हैं ही नहीं इस बयान को भी रिकॉर्ड से हटाया गया है। और राहुल गांधी के बयान का अखिलेश यादव ने समर्थन किया है। अखिलेश यादव के राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान के बाद क्या कहा उन्होंने वो भी आपको दिखाते हैं। इश्यूज खत्म नहीं हुए, अग्निवीर एज इट इज है, ओपीएस अभी एज इट इज है, किसान अभी भी एज इट इज है, तो सरकार नई जरूर है लेकिन सब कुछ पुराना है। सब बीजेपी राहुल गांधी के बयान को हिंदू वर्सेस राहुल गांधी बना रही है, इसको लेकर ये कोई नहीं, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। केवल हम ही लोग नहीं पूरा देश आहत होगा, नेता प्रतिपक्ष है। क्या लगता है कि वो सदन में एक नेता प्रतिपक्ष की तरह बोल रहे थे? लग रहा था सड़क पे बोल रहे। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नेता प्रतिपक्ष थे, सुषमा स्वराज जी थे, जब वो बोलते थे तो सत्ता पक्ष के लोग भी आते थे, मंत्री ट्रेजरी बेंचेस सुनने आते थे। आज जिस तरह की उन्होंने टीका टिप्पणी हिंदू धर्म पे कि हिंदू हिंसक है, मतलब सनातन पे जिस तरह के उन्होंने टिप्पणियाँ की, जिस तरह के अशोभनीय उन्होंने बोलने की एक जिस तरह से बिलो बिल्ट किया, तो मुझे लगता है कि एक तरह से उन्होंने शर्मसार किया। और इससे साफ है कि वो जब जब उन्होंने नेतृत्व किया, पहले पार्टी के अपने अध्यक्ष रहे। और राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाने पर समाजवादी पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है। सपा के सांसद सनातन पांडे ने कहा कि राहुल ने कुछ भी गलत नहीं कहा। अगर कार्रवाई में अनुचित किसी शब्द का प्रयोग किया गया हो तो कार्रवाई का अंश नहीं बनना चाहिए, लेकिन हमारे समय से, हम पार्टी की बात नहीं कर रहा, जो मेरी राय है
उसमें कुछ भी उन्होंने अनुचित कहने का काम नहीं किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं के लिए कहा कि जो भाजपा के हैं, जो सामने हिंदू भाजपा के बैठे, यही पोर्शन उठाया गया है। हाँ, यही पोर्शन उठाया गया है कि ये सामने जो भाजपा के हिंदू बैठे हुए हैं हिंसक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने राहुल के भाषण का हिस्सा हटाए जाने को गलत करार दिया है। पार्लियामेंट के अंदर से कोई संसदीय भाषा का इस्तेमाल हुआ हो या संसदीय शब्द हो तो उसको निकालने का प्रावधान है, लेकिन इस प्रकार से अगर कर रहे हैं तो, लेकिन पूरे देश ने देखा है, लाइव चल रहा था, तो कहां से निकाल देंगे? अब तो लाइव चल गया, लोगों ने देख लिया। लेकिन संसदीय प्रक्रिया है, उन्होंने हटा दिया, एक्सपंज कर दिया है बाकायदा, वो मार्क करके है, तो इस कार्रवाई को क्या आप सही मानते हैं? 7-8 पॉइंट है। मैंने आपको कहा ना कि संसदीय भाषा का अगर इस्तेमाल हुआ हो या कोई संसदीय लफ्ज़ बोले गए हों, उनको निकालने का प्रावधान है और उन्हीं को निकाला जाता है। मुझे नहीं पता ये क्या हो। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल राहुल गांधी पर निशाना, और हिंदू और सनातन कभी हिंसक नहीं होते, ये एसपी सिंह बघेल ने कहा। हिंदू सबको समाहित करता है, एसपी सिंह बघेल ने बयान दिया, और ये भी कहा कि मुगल आए, पारसी आए, सबको समाहित किया। सर, राहुल गांधी ने जिस तरह से कल लोकसभा में कहा कि हिंदू नफरत की बात करता है, हिंसा की बात करता है, उसके इस बयान पर लगातार विवाद हो गया। हिंदू और सनातन कभी नफरत की बात नहीं करता, अतः देवो भव की अवधारणा ये सनातन की है, वसुंधैव कुटुंबक की अवधारणा ये सनातन और हिंदू की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की अवधारणा ये सनातन और हिंदू की है। हिंदू ने सबको, सनातन ने स्वीकार किया। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत आई, मुगल से आए, यहाँ पारसी भी दूसरे देश से आए, और आप देख रहे हैं कि समावेश में रहकर और सर्वाइव किया। हिंदू सनातन चाहते तो कभी नफरत की बात नहीं करते हैं, वो तो जोड़ने की बात करते हैं, और उनका ये बयान भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म और सनातन और सनातन की अवधारणा का अपमान है। लेकिन सर, कांग्रेस कह रही है कि हम तो बीजेपी आरएसएस की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो वो बहानेबाजी कर रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रकाश होता के साथ पवन गौड़, टीम दिल्ली। और इसे लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने देश में विभिन्न धर्मों के करोड़ों लोगों के हित, कल्याण, भाईचारे के लिए धर्मनिरपेक्षता के आधार पर संविधान बनाकर सभी धर्मों का सम्मान सुनिश्चित किया है, जिसके प्रति सत्ता और विपक्ष दोनों को सदन के भीतर व बाहर गंभीर होने की जरूरत है। बसपा अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट किया कि कल संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जो कुछ भी कहा, उसका भाजपा, एनडीए या फिर राजनीतिक फायदा उठाने में लग गई लगती है। कांग्रेस द्वारा इनको ऐसा करने का अवसर प्रदान करना कितना उचित, ये सोचने की बात। और आज सदन की कार्यवाही में अखिलेश यादव ने सरकार पर ताबड़तोड़ निशाना साधा। अयोध्या, अग्निवीर और ईवीएम जैसे मुद्दों के जरिए सरकार पर उन्होंने हमला बोला। स्मार्ट सिटी से लेकर पेपर लीक जैसे मुद्दे, तीखे मुद्दों के जरिए अखिलेश यादव ने घेराबंदी की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। ना ईवीएम का मुद्दा मरा है, ना जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ,